नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो आज का सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर लेटिस ऑफ इंडिया, क्या हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट है, क्या हमारी कंट्री में सबसे लॉन्गेस्ट है, क्या हमारी कंट्री में सबसे लार्जेस्ट है और कौन सा हमारी कंट्री का चीज़ सबसे टॉलेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं और ये सेशन जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्जामिनेशन में कंट्री के बारे में, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी जनरल नॉलेज की भी, डे टू डे लाइफ में भी हमें अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में सबसे हाईएस्ट क्या है, हमारी कंट्री में सबसे लार्जेस्ट क्या है, चाहे रिवर है, चाहे डैम है, चाहे म्यूजियम है, चाहे लाइब्रेरी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये हमारी नॉलेज भी बढ़ाती हैं और हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी अपनी कंट्री के बारे में पता चलती है। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। और जैसे हम अपने स्टैटिक GK सेशन अभी तक के पढ़ते हुए आए हैं, उसी तरीके से आज का सेशन भी हम करने वाले हैं। सिर्फ हम उस हाईएस्ट, जो भी अगर सपोज मैंने कहा कि हाईएस्ट डैम कौन सा है, सिर्फ उसका नाम ही नहीं हम यहाँ पर जानेंगे, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी ऐसा जानेंगे ताकि हम उसे ईजिली याद रख सकें और एग्जामिनेशन में जब हमें वो क्वेश्चन देखने को मिले तो रिकॉल करने में हमें वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे हम हर एक स्टैटिक सेशन, हर एक स्टैटिक GK के सेशन को कम्प्लीट करते हैं, प्रिसाइस और इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। और जैसे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट सेशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन हम ज़रूर इसके ऊपर क्विज करेंगे, जहाँ पर इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एज वेल एज कुछ चीज़ें वहाँ पर आपके लिए नहीं होंगी, कुछ नॉलेज आपके लिए वहाँ पर नहीं होंगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछा गया हमसे, हाईएस्ट पीक। अब हाईएस्ट पीक कौन सी है, अगर आपसे मैं पूछता हूँ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड तो काफ़ी स्टूडेंट को आंसर पता होगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी कंट्री की कि हमारी कंट्री की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, K2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, K2, जिसे और क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कितना ऊपर है अब सी लेवल से, 8611 मीटर्स अबव द सी लेवल। और आप इसे इसलिए कैसे याद रख सकते हैं, अब हमें यह पता था कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। लेकिन जब हम सेकंड हाईएस्ट की बात करते हैं तो सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, K2। अब इसके नाम में ही क्या है, K2। अब ये वर्ल्ड के लिए तो सेकंड है, लेकिन हमारे लिए क्या है, फर्स्ट है। वर्ल्ड के लिए सेकंड, हमारे लिए फर्स्ट, यानी कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई, K2। इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या हो गई, K2। हाईएस्ट वाटरफॉल, अब आपसे, आप सभी को पता होगा हमारी कंट्री इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, यहाँ पर आप ओशंस देख सकते हैं, रिवर्स देख सकते हैं, लेक्स देख सकते हैं, माउंटेन देख सकते हैं, जो भी आप नेचुरल ब्यूटी देखना चाहते हैं वो हमारी कंट्री में मिलेगा। और इसी तरीके से हमारी कंट्री में बहुत प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि कहां पर है, कर्नाटका में। अब क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल हमारी कंट्री का कौन सा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुंचिकल वाटरफॉल। लेकिन ऐसा भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन से स्टेट में, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। तो दोनों चीजें आपको यहां पर याद करनी है, हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि कहां पर है, कर्नाटका में है। द हाइट ऑफ दिस मेजेस्टिक वाटरफॉल इज 455 मीटर, दैट इज 1493 फीट। तो क्लियर है ये पॉइंट, आगे मूव करते हैं। आगे हाईएस्ट गेटवे आपसे पूछा गया, जो कि क्या है, बुलंद दरवाजा। हाईएस्ट गेटवे, बुलंद का मतलब क्या हो गया, ग्रेट, और गेटवे दरवाजा का क्या मतलब हो गया, गेटवे, यानी कि हाईएस्ट गेटवे बुलंद, यानी कि हम किसी ग्रेट चीज के बारे में ही बात करें होंगे अगर हाईएस्ट गेटवे के बारे में बात करें, बुलंद दरवाजा, आप इसे इजिली याद रख सकते हैं। और हाईएस्ट गेटवे है कहां पर, फतेहपुर सीकरी। हाईएस्ट गेटवे दैट इज बुलंद दरवाजा, जो कि कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में। अगर इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने हैं, बुलंद दरवाजा और द डोर ऑफ विक्ट्री वॉज बिल्ट इन 1575 AD बाय मुगल एम्परर अकबर। तो बुलंद दरवाजा यानी कि डोर ऑफ विक्ट्री कब बनवाया गया,
1575 एडी में, और किसने बनवाया इसे? मुगल एम्परर अकबर ने इसे किसने बनवाया? एक मुगल शासक ने बनवाया, जो कि कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लिटरेसी अमंग स्टेट, हाईएस्ट लिटरेसी अमंग स्टेट, तो वो कौन से स्टेट है? केरला। ये आंसर काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी से पता होगा कि हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी अमंग स्टेट कौन सा है? केरला। इसके बारे में अगर हम देखें, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया केरला हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट विद 94% इन 2011। जब 2011 में सर्वे किया गया तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट हमारी कंट्री की कौन सी आई? केरला आई। कितने परसेंटेज था वहां पर? लिटरेसी रेट वहां पर कितना था? 94%। वहां पर कितना था? 94%। नेक्स्ट, हाईएस्ट टावर, हाईएस्ट टावर, जब हम हाईएस्ट टावर की बात करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स को आदत होती है, वो हर चीज गूगल करके पढ़ना चाहते हैं, वो हर चीज क्या करके पढ़ना चाहते हैं? गूगल। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करा था स्टैटिक जीके को, तो मैंने आपको वहां पर चीजें बताई थी कि जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं और हर चीज हम गूगल से मैच करते हैं, तो वहां पर हमें हर जगह आंसर्स में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वो किस वजह से? जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो गूगल सही तरीके से नहीं समझा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अब हाईएस्ट टावर का मतलब क्या हुआ? कोई हाईएस्ट मॉन्यूमेंट, कोई हाईएस्ट टावर, या फिर हाईएस्ट बिल्डिंग, या फिर हाईएस्ट रेजिडेंस के बारे में आप बात करें, तो वहां पर इसी वजह से हमें आंसर्स में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं, तो जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो बुक्स ऑलरेडी हैं, जो इस तरीके की स्टैटिक जीके का पब्लिकेशंस कर रही हैं, कुछ मैगजीन्स हैं जो आ रही हैं, तो वहाँ से हम आंसर्स को मैच करते हैं। तो ये जो जितना भी सेशन हम ले रहे हैं, ये ऑलरेडी क्रॉस चेक किया गया है, जो कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस है 2022 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी चेक करी जा चुकी हैं आप लोगों के लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हर चीज़ आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और जो फाइनली आप एग्जामिनेशन में अगर वहां पर आप देखेंगे, वो ऑप्शंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर भी वहां पर गलत हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सारी चीजें चेक कर ली गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर कोई चीज नई हुई है लिस्ट में, कोई चीज नई आई है, वो भी इसमें ऑलरेडी कवर करी जा चुकी है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बात करेंगे सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया के बारे में, वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें ऑलरेडी इसमें कवर है। तो जब आप हाईएस्ट टावर की बात करते हैं, तो वो क्या है हमारी कंट्री का हाईएस्ट टावर? कुतुब मीनार। हाईएस्ट टावर की आप बात करेंगे तो वो क्या है? कुतुब मीनार। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मरोली एरिया ऑफ न्यू दिल्ली इंडिया, और ये ऑलरेडी किसमें इंक्लूड है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है। जब हम हाईएस्ट टावर की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में और भी हाईएस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, जो बुक्स प्रिंट करी जा चुकी हैं, जो बुक्स इस तरीके की स्टैटिक जीके की चीजें प्रोवाइड करी हैं, उन्हीं को वहां पर भी एग्जाम में भी एडमिसिबल माना जाता है और उन्हीं को करेक्ट माना जाता है। तो जब भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए हाईएस्ट टावर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पर? कुतुब मीनार। हाईएस्ट टावर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार, जो कि किसमें इंक्लूड किया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड करा गया है, इन द मेहरोली एरिया ऑफ न्यू दिल्ली इंडिया। और कुतुब मीनार कहां पर है? न्यू दिल्ली इंडिया में। नेक्स्ट, हाईएस्ट डैम। तो हाईएस्ट डैम, और अभी ऐसा भी होगा कि हाईएस्ट डैम अलग होगा, लॉन्गेस्ट डैम अलग होगा, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि ये हमसे हाईएस्ट डैम के बारे में पूछ रहे हैं या फिर ये हमसे लॉन्गेस्ट डैम के बारे में पूछ रहे हैं। जब हम बात करेंगे हाईएस्ट डैम के बारे में, तो हाईएस्ट डैम में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टीरी डैम, जिसकी हाइट क्या है? 260.5 मीटर लेंथ की अगर आप बात करेंगे, 575 मीटर। रिवर की बात करेंगे, कौन सी रिवर पे इसे बनाया गया टीरी डैम को? भागीरथी रिवर पे। और लोकेशन इसकी कहां पर है? कहां पर है टीरी डैम? उत्तराखंड। लोकेशन कहां पर है इसकी? उत्तराखंड में। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाईएस्ट के बारे में हम जान रहे हैं, यहाँ पर हमने हाईएस्ट पीक देखी, हाईएस्ट वाटरफॉल, हाईएस्ट गेटवे, हाईएस्ट लिटरेसी अमंग स्टेट, हाईएस्ट टावर और हाईएस्ट डैम। तो आइए और चीजें यहाँ पर जानते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? हाईएस्ट मल्टीपल आर्क डैम। अभी हमने देखा था हाईएस्ट डैम, अभी हमने देखा था हाईएस्ट डैम, वहां पर हमारा आंसर क्या था? टीरी डैम। लेकिन जब आप मल्टीपल आर्क के बारे में बात करते हैं, कुछ इस तरीके की शेप होती है आर्क की, तो कुछ इस तरीके की शेप वाले जो डैम होते हैं, वो उसमें से सबसे हाईएस्ट मल्टीपल आर्क डैम आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इडुकी।
इडुकी जो कि कहां पर है, केरला में। कौन सा डैम है जो सबसे हाईएस्ट मल्टीपल आर्क डैम है, वो है इडुकी जो कि कहां पर है, केरला में, एट 168.91 मीटर्स, दैट इज 554.2 फीट, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट आर्क डैम इन एशिया। और ये सिर्फ हमारी कंट्री का ही सबसे हाईएस्ट आर्क डैम नहीं है, बल्कि ये एशिया का भी हाईएस्ट आर्क डैम है, जिसकी हाइट क्या है, 168.91 मीटर्स। नेक्स्ट, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का कहां पर है और वो कौन सा है, तो कौन सा है वो, गुम रेलवे स्टेशन। कौन सा है हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, कौन सा है, गुम रेलवे स्टेशन। गुम रेलवे स्टेशन ऑफ द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द इंडिया। इट इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2,258 मीटर्स। सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन हमारी कंट्री का कौन सा है, गुम रेलवे स्टेशन, जो कि कहां पर है, दार्जिलिंग में। और ये कौन सा रेलवे है, ये हिमालयन रेलवे। कौन सा रेलवे है ये, हिमालयन रेलवे। इट इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2,258 मीटर्स। नेक्स्ट, हाईएस्ट रेनफॉल स्टेट। तो इसका आंसर हर किसी को पता होगा, मेघालय स्टेट। लेकिन मेघालय स्टेट में किस जगह पर, अब मेघालय स्टेट भी काफी बड़ा है, तो मेघालय स्टेट में अब हमें यह पता चल गया कि हाईएस्ट रेलवे रेनफॉल स्टेट कौन सा है, मेघालय स्टेट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सी पर्टिकुलर जगह है कि जो जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, तो वो कौन सी जगह है, मोसनराम इज अ टाउन इन द ईस्ट काशी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, 60.9 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग। तो वो कौन सा टाउन है जो मेघालय स्टेट में है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है, मोसनराम। स्टेट हमें पता चल गई कि मेघालय स्टेट ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। आपसे पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कौन सा है, तो वो कौन सा है, हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, कोशाक बालकुला राम रिम्पोचे एयरपोर्ट इन, कहां पर है और ये एयरपोर्ट ले में। कुशाक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट जो कि कहां पर है, ले में। कुशाक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट इन ले, द कैपिटल ऑफ लद्दाख इंडिया। इट इज द 23rd हाईएस्ट कॉमर्शियल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड एट 3,256 मीटर अबव फ्रॉम सी लेवल। तो क्लियर हो गया कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, और हाईएस्ट एयरपोर्ट है कहां पर, ले में। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आइए मूव करते हैं आगे। ऑल द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, अभी हमने क्या देखा, ऑल द हाईएस्ट ऑफ इंडिया, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं ऑल द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी। तो जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं, तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, एग्जामिनेशन के टाइम पर जब हम जनरल नॉलेज सेक्शन कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम चीज क्या करना चाहते हैं, हर चीज जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। तो अब क्या होता है, स्टूडेंट हर चीज जल्दी जल्दी करना चाह रहा है, उसे हर चीज आती भी थी, हर चीज उसका आंसर भी उसे पता था, लेकिन वहां पर भी क्या हो जाती है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि वहां पर हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। यहां पर इन्होंने बात करी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी के बारे में, क्वेश्चन और क्या बन सकता है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट वहां पर आपसे पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन आपसे पूछी जा सकती है कौन से स्टेट की है, या फिर लार्जेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा कौन सी सिटी में है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से वहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें आंसर भी पता होता है, लेकिन जल्दबाजी में हम वहां पर क्या कर जाते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, बस एक झलक हमने क्वेश्चन की देखी, आंसर पे टिक करा और मूव कर गए आगे। तो इस तरीके की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। और यहां पर आपसे पूछा गया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी, तो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी की आप जब बात करेंगे, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगर आपसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट पूछ लेता, तो वहां पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी मुंबई। द थ्री यूएस,
यानी कि अर्बन एरियाज विद पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन एंड अबव आर नोन एज मेगा सिटीज। अगर कोई अर्बन एरिया 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन कैरी कर रहा है तो उसे क्या कंसीडर करा गया, उन्हें क्या कहा गया, मेगा सिटीज। और हमारे पास तीन ऐसी मेगा सिटीज हैं। द सेंसस डिफाइंस द थ्री एज अ ग्रेटर मुंबई अर्बन एरिया पॉपुलेशन 18.4 मिलियन, दिल्ली अर्बन एरिया पॉपुलेशन 16.3 मिलियन एंड कोलकाता अर्बन एरिया पॉपुलेशन 14.1 मिलियन। तो यहाँ पर हमने देखा तीन ऐसी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर देखने को मिली, मुंबई में 18.4 मिलियन। इसीलिए लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा हो गया, मुंबई। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यह आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कौन से सेशन में, इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है हमारी कंट्री की, वुलर लेक, जो कि कहां पर है, कश्मीर में। वुलर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया, इट इज साइटेड इन बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। और ये कहां पर है वुलर लेक, बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलर लेक। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब हम आपसे बात करते हैं कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी हमारी कंट्री की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिलिका। क्या हो जाएगा, चिलिका, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में। चिलिका लेक इज अ ब्रैकिश वाटर लगून एट द माउथ ऑफ द दया रिवर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल कवरिंग एन एरिया ओवर 1100 किलोमीटर स्क्वायर। तो चिलिका लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और ये क्या है, एक ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर लगून का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जो कि कहाँ पर है, माउथ ऑफ द दया रिवर फॉलोइंग, और ये कहाँ पर जा रही है, बे ऑफ बंगाल में, कवरिंग एन एरिया ऑफ 1100 किलोमीटर स्क्वायर। लार्जेस्ट स्टेट का आंसर हर किसी को पता होना चाहिए, जो कि कौन सी है, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, राजस्थान। द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान, दैट इज 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सबसे बड़ी स्टेट हमारी कंट्री की कौन सी है, राजस्थान बाय एरिया 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, जैसे अभी हमने देखा था लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी मुंबई, लेकिन जब आप बात करते हैं लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की, तो आपका आंसर क्या हो जाता है वहां पर, उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाता है वहां पर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 166 मिलियन होल्ड्स डिस्टिंक्ट ऑफ बींग द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। अब आपने मुंबई की तो देखी, मुंबई की पॉपुलेशन आप देखते हैं तो वो ज्यादा है, लेकिन जब आप पूरी स्टेट की पॉपुलेशन देखते हैं वो कितनी है, 97 मिलियन, और जब आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखते हैं तो वो कितनी है, 166 मिलियन, एंड बिहार की कितनी है, 83 मिलियन। तो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पर, उत्तर प्रदेश। तो आइए और चीजें यहां पर जानते हैं। नेक्स्ट क्या है यहां पर, लार्जेस्ट म्यूजियम। तो आप सभी को पता है हमारी कंट्री में कितने म्यूजियम है, और जब हम बात करते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट म्यूजियम की, तो लार्जेस्ट म्यूजियम हमारी कंट्री का कौन सा है, इंडियन म्यूजियम, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में। हमारी कंट्री का लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है, इंडियन म्यूजियम, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में। आइए इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। द इम्पीरियल म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। इट इज एस्टैब्लिश इन 1814। इट इज द 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। तो इंडियन म्यूजियम को और किस नाम से जाना जाता है, इंपीरियल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। हमारी कंट्री का ये सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम भी है हमारी कंट्री का, जो कि इस्टेब्लिश कब किया गया, 1814 में, जो कि कब इस्टेब्लिश किया गया, 1814 में। और साथ ही साथ इट इज़ द 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। और अगर हम वर्ल्ड में से देखते हैं तो ये 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम है। कौन सा म्यूजियम, इंपीरियल म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम। नेक्स्ट, लार्जेस्ट जू। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट जू के बारे में। तो सबसे लार्जेस्ट जू हमारी कंट्री का कौन सा है, श्री वेंकटेश्वर जियोलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ पर है, तिरुपति आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर जियोलॉजिकल पार्क, तिरुपति आंध्र प्रदेश, लार्जेस्ट जू ऑफ द कंट्री। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन 29 सितंबर 1987 एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 5,532 एकर्स, दैट इज 22
0.39 स्क्वायर किलोमीटर्स, इट इज द लार्जेस्ट जियोलॉजिकल पार्क इन एशिया, और साथ ही साथ ये क्या है, लार्जेस्ट जियोलॉजिकल पार्क है एशिया का भी, और हमारी कंट्री का लार्जेस्ट जू श्री वेंकटेश्वर जियोलॉजिकल पार्क, जो कि कहां पर है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट लार्जेस्ट डूम, लार्जेस्ट डूम क्या है यहाँ पर, लार्जेस्ट डूम गोल गुंबज, डूम कुछ इस तरीके से शेप में होता है, कुछ इस तरीके की शेप में हमें डूम देखने को मिलता है। तो लार्जेस्ट डूम हमारी कंट्री का कौन सा है, गोल गुंबज, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में। लार्जेस्ट डूम हमारी कंट्री का कौन सा है, गोल गुंबज, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में। गोल गुंबज इज द टोम ऑफ द किंग मोहम्मद आदिल शाह, आदिल शाह डायनेस्टी। ये जो क्या है, ये क्या है, मकबरा है, जो गोल गुंबज है वो मकबरा है किसका, किंग मोहम्मद आदिल शाह का, जो कि किसके, कौन सी डायनेस्टी के राजा थे, आदिल शाही डायनेस्टी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टोम लोकेटेड इन बीजापुर कर्नाटका इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1626 एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1656। और ये स्टार्ट कब हुई थी, इसे बनाना कब स्टार्ट किया गया, 1626 में इसे बनाना स्टार्ट किया गया, और ये कंप्लीट कब हुआ, 1656 में। लार्जेस्ट टोम ऑफ द कंट्री इज गोल गुंबज, जो कि कहां पर है, कर्नाटका में। नेक्स्ट लार्जेस्ट मोस्क, जब अगर हम सबसे बड़ी मस्जिद की बात करते हैं हमारी कंट्री की, तो आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद न्यू दिल्ली। अब जामा मस्जिद और भी जगह पर है, और भी स्टेट में, और भी कंट्रीज में है, और भी सिटीज में है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट, जब सबसे बड़ी मस्जिद की बात करी जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जामा मस्जिद। लेकिन यही आंसर जब आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा वहां पर, ताजे उल मस्जिद। तो मैंने कहा था कि वेरिएशंस आपको आंसर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको वही आंसर फॉलो करना है जो और बुक्स में गिवन है, और जो एग्जामिनेशन में भी एक्सेप्टेबल है, जो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो जब आप बात करेंगे लार्जेस्ट मोस्क की, तो वहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, जामा मस्जिद। और अगर ऑप्शंस में आपको जामा मस्जिद नहीं गिवन है, तब आप उस केस में अपना आंसर करेंगे ताजे उल मस्जिद। सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है, अगर ऑप्शन में आपको जामा मस्जिद नहीं गिवन है, तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ताजे उल मस्जिद। और अगर ऑप्शन में दोनों ही, अगर ऑप्शन में जामा मस्जिद न्यू दिल्ली भी गिवन हो और ताजे उल मस्जिद भी गिवन हो, उस केस में हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, उस केस में हमारा आंसर करेक्ट होगा जामा मस्जिद न्यू दिल्ली। ये चीज आपको याद रखनी है। द ताजे उल मस्जिद इज द लार्जेस्ट मोस्क इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्क इन एशिया, लेकिन हमारा, हम कौन सा आंसर करेक्ट मानेंगे, जामा मस्जिद न्यू दिल्ली। नेक्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट, जब हम लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करते हैं, तो हमारा कंट्री का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, थार, जो कि कहां पर है, राजस्थान, थार डेजर्ट राजस्थान। तो थार डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और थार डेजर्ट को और क्या, किस नाम से जाना जाता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज अ लार्ज रिड रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट कवर्स एन एरिया ऑफ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर 77,000 स्क्वायर माइल एंड फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और साथ ही साथ जो ये थार डेजर्ट है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है, और ये क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया इज द थार डेजर्ट, जो कि कहां पर है, राजस्थान में। आइए और चीजें यहां पर इंडिया के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारी कंट्री में लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, वो कौन सा है, मौजुली, जो कि कौन सी रिवर में है, ब्रह्मपुत्र। जैसे मैंने कहा, दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, रिवर आइलैंड कौन सा है, और अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर में सबसे बड़ा आइलैंड है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, और आइलैंड का नाम क्या है, मौजुली। मौजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड राइट एट द हार्ट ऑफ द असम ऑन द टर्बुलेंट वाटर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है, असम की तरफ से निकल रही है, और वहीं पर हमें ये आइलैंड देखने को मिलता है, उस आइलैंड का नाम क्या है, मौजुली, और ये कौन सी रिवर में है, ब्रह्मपुत्र। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, और वही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे मोंग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री, और ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, मोनेस्ट्री जहां पर मोंग्स रहते हैं। और कौन सी मोनेस्ट्री हमारी कंट्री में सबसे बड़ी है, तवांग मोनेस्ट्री, जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, लोकेटेड इन द बोमदिला
अरुणाचल प्रदेश, तवांग मोनेस्ट्री इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ सिक्स्थ दलाई लामा, ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ द सिक्स्थ दलाई लामा, दिस मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड 35,000 अबव फ्रॉम द सी लेवल एंड इज सराउंडेड बाय द स्नो कवर्ड माउंटेन, और सराउंडेड बाय द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो कौन सी मोनेस्ट्री है जो हमारी कंट्री की सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है? तवांग मोनेस्ट्री, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, और ये बर्थ प्लेस किसका है? सिक्स्थ दलाई लामा का। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट केव टेम्पल, आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट केव टेम्पल कौन सा है, तो ये कौन सा टेम्पल है? कैलाश टेम्पल। फेमस टेम्पल से और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। लार्जेस्ट केव टेम्पल कौन सा है? कैलाश टेम्पल, जो कि कौन सी केव में है? एलोरा केव्स में, जो कि कौन सी केव में है? एलोरा केव्स में, और एलोरा केव्स है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। द कैलाश और द कैलाशनाथ टेम्पल इज द लार्जेस्ट ऑफ द रॉक कट हिंदू टेम्पल एट एलोरा केव्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, एलोरा केव्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इंडिया। तो कौन सा है लार्जेस्ट केव टेम्पल हमारी कंट्री में? कैलाश टेम्पल, या फिर जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? एलोरा केव्स में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इंडिया में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एनिमल फेयर, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनेपुर फेयर बिहार, जो कि कहाँ पर लगता है? बिहार में, और इस मेले का नाम क्या है? सोनपुर मेला। सोनपुर कैटल फेयर हिंदी, सोनपुर पशु मेला इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा, कौन से दिन होता है ये? कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, स्टार्ट होता है द फुल मून डे पर, ओवर द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर इन सोनपुर बिहार। और ये सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार में। सबसे बड़ा पशु मेला हमारे देश का कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है, बिहार सोनपुर, और इस मेले को क्या कहा जाता है? सोनपुर पशु मेला। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्लेट्यू, हमारी कंट्री का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है? डीकैन प्लेट्यू। लार्जेस्ट प्लेट्यू हमारी कंट्री का कौन सा है? डीकैन प्लेट्यू। द डीकैन प्लेट्यू इज द लार्ज प्लेट्यू इन वेस्टर्न एंड द साउदर्न इंडिया, इट राइजेस टू 100 meters, दैट इज 330 feet इन द नॉर्थ, एंड टू मोर देन 1000 meters, दैट इज 3300 feet इन द साउथ। तो ये कौन सा है हमारी कंट्री का लार्जेस्ट प्लेट्यू? हमारी कंट्री का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है? डीकैन प्लेट्यू, जो कि हमें राइज उसका कितना देखने को मिलता है? 100 मीटर नॉर्थ में और 1000 मीटर साउथ में, 1000 मीटर साउथ में और 100 मीटर नॉर्थ में। आइए और चीज़ें जानते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। जब साउथ इंडिया की बात करी जाएगी लार्जेस्ट रिवर की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पर? गोदावरी। द सोर्स, इट्स सोर्स इज त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र, और इसकी सोर्स कहाँ से है गोदावरी रिवर की? त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र। लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया यहाँ पर आपको याद रखना है, वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्रिजन, जब हम यहाँ पर सबसे बड़ी जेल की बात करते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तिहाड़ जेल, तिहाड़ प्रिजन। इंडिया की सबसे बड़ी प्रिजन कौन सी है? तिहार प्रिजन। इट इज लोकेटेड इन तिहार विलेज, अप्रोक्सीमेटली 3 kilometers फ्रॉम जनकपुरी टू द वेस्ट ऑफ न्यू दिल्ली इंडिया। अब ये जो तिहार जेल है वो कहाँ पर है? तिहार विलेज में। तिहार जेल कहाँ पर है? तिहार गांव में है, इसी वजह से इस जेल का नाम क्या है? तिहार जेल। और जो कि कहाँ, कितना दूर है? अप्रोक्सीमेटली 3 kilometers फ्रॉम जनकपुरी टू द वेस्ट ऑफ न्यू दिल्ली इंडिया। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, तिहार जेल कहाँ पर है? तिहार गांव न्यू दिल्ली इंडिया में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम, लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम। तो अभी प्लेनेटोरियम का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं प्लेनेटोरियम की, इसे आप एक थिएटर बोल सकते हैं, या फिर एक एजुकेशनल थिएटर आप जिसे बोल सकते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को किसके बारे में? प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, एस्ट्रोनॉमी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? प्लेनेटोरियम में। और हमारी कंट्री का जो लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम है वो कौन सा है? एमपी बिरला प्लेनेटोरियम, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में। अगेन आपको यहाँ पर कौन सी जगह पर है ये चीज़ याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एमपी बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम इन एशिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम इन द वर्ल्ड। देर आर टू अदर बिरला प्लेनेटोरियम्स इन इंडिया,
बी एम बिरला जो कि कहाँ पर है, चेन्नई में, एंड द बिरला प्लेनेटोरियम जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में। जब आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम इंडिया का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एम पी बिरला जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में है। इसके अलावा भी दो और प्लेनेटोरियम है बिरला के, वो कहाँ कहाँ पर है, बी एम बिरला जो कि चेन्नई में है, और दूसरा बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ पर है, हैदराबाद में। और एम पी बिरला प्लेनेटोरियम को क्या कहा गया, सिर्फ इंडिया का ही नहीं एशिया का भी ये लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम है, और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट जीपीओ, जीपीओ का मीनिंग क्या हुआ, जीपीओ की फुल फॉर्म क्या हुई, जनरल पोस्ट ऑफिस जो कि कहां पर है, इंडिया का लार्जेस्ट जीपीओ कौन सा है, मुंबई जीपीओ, मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस। इंडिया का लार्जेस्ट जनरल पोस्ट ऑफिस कौन सा है, मुंबई जीपीओ, मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस। मुंबई जीपीओ वॉज फॉर्म्ड इन 1794 ऑल्दो ऑफिस मूव इन टू द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन अप्रैल 12, 1913। तो जो मुंबई का जीपीओ था, जो मुंबई का जीपीओ है वो कब बनाया गया, 1794 में, लेकिन जो अब करंट ऑफिस है वो कब शिफ्ट कर दिया गया था, जो करंट प्रेजेंट बिल्डिंग में कब शिफ्ट किया गया था इस ऑफिस को, 12 अप्रैल 1913 को स्प्रेड ओवर 1 लाख स्क्वायर फीट। This is the biggest post office in India. Mumbai GPO. Next, largest church. जब आपसे पूछा जाएगा कि largest church कौन सा है हमारी country का, वो कौन सा हो जाएगा, Saint Cathedral, जो कि कहाँ पर है, Old Goa में, जो कि कहाँ पर है, Old Goa में। It is the past of World Heritage Site Churches and the Convents of Goa located in Old Goa, India, जो कि कहाँ पर है, Old Goa में। Largest Church, Saint Cathedral, जो कि कहाँ पर है, Old Goa में। आइए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, लार्जेस्ट सिनेमा थिएटर, लार्जेस्ट सिनेमा थिएटर कौन सा है हमारी कंट्री का, थंगम थिएटर जो कि कहाँ पर है, मदुरई तमिलनाडु में, जो कि कहाँ पर है, मदुरई तमिलनाडु में। लार्जेस्ट सिनेमा थिएटर हमारी कंट्री का कौन सा है, थंगम थिएटर जो कि कहाँ पर है, मदुरई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एग्जीबिशन ग्राउंड आपसे पूछ लिया जाए, प्रगति मैदान जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। लार्जेस्ट एग्जीबिशन ग्राउंड कहाँ पर है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। लार्जेस्ट एग्जीबिशन ग्राउंड कौन सा है, प्रगति मैदान जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। लार्जेस्ट आर्क डैम, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इडुकी डैम जो कि कहाँ पर है, केरला में। लार्जेस्ट लाइब्रेरी आपसे अगर पूछी जाती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल लाइब्रेरी जो कि कहां पर है, कोलकाता में, जो कि कहां पर है, कोलकाता में। लार्जेस्ट लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी जो कि कहां पर है, कोलकाता में। इट इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया एंड लाइब्रेरी ऑफ ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड हैज ओवर 2.2 मिलियन बुक्स इन इट्स कलेक्शन। कितनी बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में जो कि रिकॉर्ड्स में मेंशन की गई हैं, 2.2 मिलियन बुक्स इन इट्स कलेक्शन। क्लियर, लार्जेस्ट लाइब्रेरी कहाँ पर है, कोलकाता में है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है, नेशनल लाइब्रेरी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट करियर, हमारी कंट्री का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट करियर कौन सा है, आईएनएस विक्रम आदित्य इज द इंडियन नेवी बिगेस्ट वॉरशिप। इट इज द इंडियन नेवी बिगेस्ट वॉरशिप। तो आइए और चीजें यहाँ पर देखते हैं, लार्जेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, लार्जेस्ट पोर्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारी कंट्री का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई पोर्ट इज द इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज एंड शिपिंग ट्रैफिक। तो हमारी कंट्री का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट, बाय साइज एंड बाय शिपिंग ट्रैफिक। नेक्स्ट, लार्जेस्ट गुरुद्वारा, हमारी कंट्री का अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट गुरुद्वारा कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, गोल्डन टेम्पल जो कि कहाँ पर है, अमृतसर में, जो कि कहाँ पर है, अमृतसर में। लार्जेस्ट गुरुद्वारा कौन सा होगा हमारी कंट्री का, गोल्डन टेम्पल जो कि कहाँ पर है, अमृतसर में। और इसका ऑफिशियल नेम की अगर हम बात करते तो इस गोल्डन टेम्पल का ऑफिशियल नेम क्या है, द हरमंदिर साहिब इन अमृतसर इन इंडिया नोन इनफॉर्मली एज गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल इसे सब कहते हैं, लेकिन अगर इसके फॉर्मल नेम की बात करी जाए वो क्या है, हरमंदिर साहिब
और जो कि कहां पर है, अमृतसर में, इज द होलीस्ट गुरुद्वारा ऑफ सिखिज्म नेक्स्ट टू अकाल तख्त या सिख सीट ऑफ पावर। तो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल, जो कि कहां पर है, अमृतसर में, इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा ऑफ आर कंट्री। लार्जेस्ट रिवर बैराज, लार्जेस्ट रिवर बैरेज वो कौन सा है, फारका बैरेज, फारका बैरेज जो कि कहां पर है, मालदा एंड मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल इंडिया, मालदा एंड मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल इंडिया। लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, हमारी कंट्री की सबसे लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, जो कि कहां पर है, न्यू दिल्ली, इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी विथ 3.5 मिलियन स्टूडेंट matriculated, the Indira Gandhi National Open University IGNOU from India is the largest university in the world। और सिर्फ हमारी कंट्री की ही ये सबसे लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो IGNOU है वो क्या है, लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हमारी कंट्री की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात, कौन सी स्टेट में है ये डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात, कवरिंग एन एरिया ऑफ 45,674 किलोमीटर स्क्वायर, इट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। द एरिया ऑफ कच्छ इज द लार्जर देन द एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा एंड केरला। द पॉपुलेशन ऑफ द कच्छ इज अबाउट 20,92,371। तो आपने देखा यहाँ पर, अगर आप लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं आप हमारी कंट्री की, तो वो कौन सी है, कच्छ गुजरात, जिसका टोटल एरिया कितना है 45,674 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुछ स्टेट से भी बड़ी है। द एरिया ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इज लार्जर देन द एंटायर एरिया ऑफ द स्टेट लाइक हरियाणा और केरला, केरला और हरियाणा से जितनी बड़ी वो स्टेट है उससे बड़ी ये एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए 20,92,371 पीपल यहां पर रहते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है यहां पर, ऑल द लॉन्गेस्ट ऑफ इंडिया। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑल द हाईएस्ट ऑफ इंडिया, ऑल द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं लॉन्गेस्ट की। तो सबसे पहले अगर हम देखें लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, अगर हम सबसे पहले देखें लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पर, गंगा। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इफ वी कंसिडर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रिवर विद इन इंडिया। टू मेजर रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, आर लॉन्गर देन गंगा इन द टोटल लेंथ। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछी जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी, गंगा। ये वो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो रिवर हमारी कंट्री में कवर कर रही है वो सबसे ज्यादा कौन कर रही है, गंगा कर रही है। लेकिन अगर हम देखें जो दो और नदी है हमारी कंट्री में, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, दोनों की ही लेंथ किससे ज्यादा है, गंगा से ज्यादा है। दोनों की ही लेंथ क्या है, गंगा से ज्यादा है। ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस आर लॉन्गर देन गंगा इन द टोटल लेंथ, जब आप टोटल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां पर अब हमने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्मपुत्रा ईस्ट से निकलती है और असम से होती हुई वो किस में चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में, और इधर से इंडस निकलती है वेस्ट से और वो वेस्ट में ही चली जाती है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सी रिवर हमारी कंट्री में कवर कर रही है, गंगा। गंगा गंगोत्री से निकल रही है और सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हमारी कंट्री में, इसीलिए ये हमारी कंट्री की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। तो लॉन्गेस्ट रिवर, इसी वजह से हमारा आंसर क्या हो गया, गंगा। लॉन्गेस्ट टनल, पीर पंजल रेलवे टनल, जम्मू एंड कश्मीर। जब आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है हमारी कंट्री की, तो वो कौन सी हो जाएगी, पीर पंजल रेलवे टनल, पीर पंजल रेलवे टनल, जो कि कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। दिस इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द कंट्री, मेजरिंग 11,215 मीटर, दैट इज 11.215 किलोमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सी हमारी कंट्री की,
पीर पंजन रेलवे टनल जो कि कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। लॉन्गेस्ट डैम, अगर लॉन्गेस्ट डैम की बात करते हैं, हाईएस्ट डैम आपने देखा, हाईएस्ट मल्टीपल आर्क डैम आपने देखा, लेकिन जब आपसे बात करी जाएगी लॉन्गेस्ट डैम की तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुड उड़ीसा, हीराकुड उड़ीसा। लॉन्गेस्ट डैम हमारी कंट्री का कौन सा है, हीराकुड डैम जो कि कहां पर है, उड़ीसा में। हीराकुड इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन द वर्ल्ड एंड स्टैंड अक्रॉस द माइटी रिवर महानदी इन द संबलपुर रीजन ऑफ उड़ीसा, संबलपुर रीजन ऑफ उड़ीसा। तो लॉन्गेस्ट डैम हमारी कंट्री का कौन सा है, हीराकुड डैम जो कि कहां पर है, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में। क्लियर। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो कौन सा है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो कि कहां पर है, उत्तर प्रदेश इंडिया में। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहां का है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, जो कि कहां पर है, उत्तर प्रदेश इंडिया में। प्लेटफॉर्म नंबर वन ऑफ द गोरखपुर इज 1366.33 मीटर्स विद रैंप, और अगर रैंप उसमें से हटा दिया जाए, विदाउट रैंप अगर हम देखते हैं, विदाउट रैंप अगर हम देखते हैं, एंड 1355.40 मीटर विदाउट इट। तो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री का कौन सा है, कहां पर है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, उत्तर प्रदेश इंडिया। प्लेटफॉर्म नंबर वन, उसका अगर डिस्टेंस देखेंगे, उसकी पूरी लेंथ देखेंगे, तो वो कितनी आएगी, 1366.33 मीटर्स। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, हमारी कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर कौन सा है, रामेश्वर टेंपल का। सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर हमारी कंट्री में कहां पर है, रामेश्वर टेंपल में। द टेंपल हैज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर अमंग ऑल द हिंदू टेंपल्स इन इंडिया। तो क्लियर है ये पॉइंट भी, अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट कॉरिडोर हमारी कंट्री में कहां पर है, तो वो कहां पर है, रामेश्वर टेंपल में। आइए मूव करते हैं और चीजें देखते हैं हमारी कंट्री की क्या क्या लॉन्गेस्ट हैं। तो नेक्स्ट यहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज, लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज इंडिया का कौन सा है, कोटा चंबल ब्रिज, कोटा चंबल ब्रिज। द ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 29 अगस्त 2017। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज कौन सा है, कोटा चंबल ब्रिज, जिसे इनॉग्रेट किसने करा, पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने कब करा उसे, 29 अगस्त 2017 को। लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस, लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस या फिर लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जिसे आप कह सकते हैं, वो कौन सा है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, और कौन सी ट्रेन उसे कवर करती है, कौन सी ट्रेन सर्विस ये वाली रूट कवर करती है, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस इसे कवर करती है, और ये रूट कौन सा है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। ये रूट कहां से कहां तक का है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, स्पैनिंग 4273 किलोमीटर ऑन रेल ट्रैक्स एंड अ रनिंग टाइम ऑफ 80 hours and 15 minutes, अबाउट 55 शेड्यूल स्टॉप। द विवेक एक्सप्रेस कवर्स द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया। तो आप क्या कह सकते हैं, जो लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस है वो कौन सी है, वो कौन सी ट्रेन कवर कर रही है, विवेक एक्सप्रेस। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कौन सा है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। कितना है ये टोटल, स्पैनिंग 4273 किलोमीटर, और कितना टाइम लगता है इस ट्रेन को, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी 80 hours and 15 minutes, जिसमें 55 शेड्यूल स्टॉप्स हैं। मतलब वो उसके अलावा अगर हो गए तो बात अलग है, लेकिन जो शेड्यूल करे गए हैं, जहां पर रुकना ही रुकना है इस ट्रेन को, वो 55 शेड्यूल स्टॉप्स हैं। और कौन सी ये ट्रेन है, कौन सी एक्सप्रेस है, ये विवेक एक्सप्रेस, जो कि हमारी कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कवर करती है। अगर बात करी जाए लॉन्गेस्ट ग्लेशियर की, तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है हमारी कंट्री का, सियाचिन ग्लेशियर। अगर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर की बात करी जाए तो हमारी कंट्री का वो कौन सा है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, अभी हमने देखा लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज, और अब हम देख रहे हैं लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। तो यही मैं आपको कह रहा था कि आपको ध्यान देना पड़ेगा जब क्वेश्चन आप वहां पर देखेंगे स्टैटिक जीके का एग्जामिनेशन में, कि आपसे एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। तो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है, डोला सादिया ब्रिज, डोला सादिया ब्रिज, डोला सादिया ब्रिज ऑल्सो नोन एज भूपेन हजारिका सेतु। डोला सादिया ब्रिज को ही क्या कहा जाता है, भूपेन हजारिका सेतु कहा जाता है। डोला सादिया ब्रिज इज ओवर द माइटी ब्रह्मपुत्र, इज बिकम द इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज अबव वाटर। और ये कौन सी नदी पे बनाया गया है, कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इसे बनाया गया है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, डोला सादिया ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे,
लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे वो कौन सा है, NH44। लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको NH44 नहीं दिखता है, आपसे पूछा गया लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, मैंने आपको बताया NH44 नेशनल हाईवे 44, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में नेशनल हाईवे 44 नजर नहीं आता है, द NH44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, नेशनल हाईवे 44 वॉज प्रीवियसली नोन एज NH7, और इसी NH44 को पहले किस नाम से जाना जाता था, NH7 के नाम से जाना जाता था। यानी कि अगर ऑप्शन में आपको NH44 नहीं नजर आ रहा है तो वहां पर क्या गिवन हो सकता है, NH7, और वहां पर वो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। द NH44 इज 3745 किलोमीटर लॉन्ग एंड कवर्स द नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर ऑफ NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट कैनाल, हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है, इंदिरा गांधी कैनाल। हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनली राजस्थान कैनाल, और किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट कैनाल हमारी कंट्री का कौन सा है, इंदिरा गांधी कैनाल, या फिर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, राजस्थान कैनाल भी जिसे हम बोल सकते हैं। आइए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ऑल द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया। अभी हमने क्या देखा था, हाईएस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑल द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया की, और सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, लेकिन बाय एरिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है बाय एरिया, राजस्थान, और सबसे छोटी स्टेट कौन सी है बाय एरिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा, जिसका टोटल एरिया कितना है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये सबसे छोटी स्टेट हो गई गोवा, सबसे बड़ी स्टेट हो गई राजस्थान। बाय एरिया अगर आपसे पूछ ली जाए, स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन, कौन सी स्टेट में हमारी कंट्री की सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेशन वाली स्टेट कौन सी है, वो सिक्किम। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट। तो हमारी कंट्री में कहां पर सबसे कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलती है, सिक्किम में। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट स्टेट फॉरेस्ट एरिया, कौन सी स्टेट में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है, हरियाणा, वो कौन सी है, हरियाणा। हरियाणा हैड द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया एट 6.79%। और सिर्फ हरियाणा में कितना आपको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिल रहा है, 6.79%। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, हमारी कंट्री की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप। कौन सी है, लक्षद्वीप। इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप इज एन archipelago consisting of 36 island within area of 32 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारी कंट्री का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप, और ये क्या है, द्वीपों का समूह है जिसमें 36 आइलैंड इंक्लूडेड है, और कितना एरिया है उसका टोटल, 32 किलोमीटर स्क्वायर। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप। तो आइए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं, किस टॉलेस्ट स्टैचू, हमारी कंट्री में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है, तो वो कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारी कंट्री में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है, वो किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उस स्टैचू का नाम क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। October 31st, 2018 marked the inauguration of the world tallest statue, the Statue of Unity, 182 meters, 600 feet approx. और सिर्फ ये हमारी कंट्री का ही टॉलेस्ट स्टैचू नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड का ये टॉलेस्ट स्टैचू है। 31st अक्टूबर को जिसे क्या किया गया था, इनोग्रेट किया गया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। नेक्स्ट, हमारी कंट्री का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, यानी कि जो बहादुरी के लिए किन्हें दिया जाता है, हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी कंट्री के सोल्जर्स को दिया जाता है, वो कौन सा है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया इज परमवीर
चक्र, वो कौन सा है अवार्ड? परमवीर चक्र। द परमवीर चक्र इज द इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश एक्ट ऑफ वलमोर ड्यूरिंग वॉर टाइम। और कोई एक सोल्जर क्या करता है औरों से अलग, अब देखिए जंग पे हर कोई जंग कर रहा है, हर सोल्जर जाके वहां पर जंग कर रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा काम कर देता है जो और नहीं कर पाते हैं, कुछ एक ऐसा बहादुरी का अलग कुछ हटके वो करता है, तो उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? परमवीर चक्र उसे दिया जाता है उसकी बहादुरी के लिए। अगर वो कोई एक ऐसा बहादुरी भरा काम करके दिखाता है जो और लोग नहीं कर पाते या फिर और लोगों से हटके होता है तो उसे दिया जाता है परमवीर चक्र। और अगर हम यहां पर बात करें हाईएस्ट अवार्ड फॉर सिविलियन, वो कौन सा है? भारत रत्न। वो कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वो कौन सा अवार्ड है जो सिविलियन को सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है? भारत रत्न। तो ये सेशन आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहां पर हमने जाना इंडिया के जितने भी सुपरलेटिव्स थे, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट, एज वेल एज हमने ये भी देखा कि इंडिया में क्या क्या स्मॉलेस्ट है। तो आई होप ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे इसकी क्विज के साथ, जहां पर कुछ क्वेश्चंस जो अभी आज हमने पढ़ा है उसी में से होने वाला है और कुछ क्वेश्चंस वहां पर आपके लिए नए होने वाले हैं, जैसे कि हम वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन से रिलेटेड होते हैं वो सारे क्वेश्चंस वहां पर कवर करे जाएंगे। तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन, लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।